In which we deploy many sensors to assess the load on a particular road, and they get in, they communicate that data of vehicle generated numbers through dedicated telephone lines 4 times in each second to the computer. Then it assesses the load, and depending upon the load, it decides ke is load ko nikalne ke liye isko kitna green signal time chahiye. I mean, it can be, let's say last time mein 40 tha aur ab load zyada ho gaya. So it'll make the green time as 44 automatically, or if it is less than 36 accordingly, depending upon कहीं जंक्शन पे किसी रोड पे ज़्यादा लोड आ रहा है तो उसको ज़्यादा ग्रीन देगा, किसी पे बहुत कम आ रहा है तो उसी हिसाब से उसको कम करता चला जाएगा. सो इट्स अ वेरी डायनामिक सिस्टम एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट द व्हीकल लोड व्हिच इज कमिंग ऑन. सो कीपिंग दिस डायनामिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, इट वॉज एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन 47 जंक्शंस इन एंड अराउंड कैनॉट प्लेस. Why we had chosen this area? Because it's a representative of the entire Delhi. एक तरफ आपका ये अजमेरी गेट साइड है which is typical slow moving traffic का है, एक तरफ cannot place आ जाता है. And finally आप or if you come down towards सी hexagon or इधर बड़ा रूल बड़ा यूनिफॉर्म टाइप ट्रैफिक है. सो इट वॉज अ वेरी मथुरा रोड है जहाँ पे एक डायरेक्शनल फ्लो चलता है. तो इट वॉज अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरी गुड सैम्पल एंड कम्पैक्ट एरिया में. सो दिस एरिया वॉज चूजन. इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉमिटर्स को जो परेशानी आ रही थी, ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा था, और उनको ध्यान में रख के उनकी सुविधा के लिए ये सब आपने शुरू किया, एक ऐसा सिस्टम. इसको इतना इसको फिर एक बार थोड़ा सा इतना कहना है. वेल, जो 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 कम्यूटर्स थे डेली, उनको जो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट, उसमें डायरेक्शनल फ्लो के कारण स्टॉपेजेस बहुत आते थे. देयरफॉर टू इंश्योर के एक सिग्नल या एक सड़क से मेंटेन करने से नहीं होता, पूरा एरिया को रियल टाइम में कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सो दैट एक जगह से दूसरी जगह उस एरिया के अक्रॉस जाने में लोगों को कम समय लगे, उनको कम स्टॉपेजेस लगे, यदि कहीं रुके भी हैं तो मिनिमम टाइम के लिए रुकना पड़े. इन सब बातों को इंट्रोड्यूस करने के लिए वी हैव ट्राइड दिस सिस्टम. अच्छा, अब आपका क्या एक्सपेंशन का अभी क्या रिस्पांस आपको मिला है, और रिस्पांस को ध्यान में रख के अब आप क्या करने जा रहे हैं? सी, बिकॉज इट वाज अ सिस्टम व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इसको करने से पहले हमने प्री स्टडीज करी थी. जिस बेसिस पे, जिस प्रोसीजर्स के तहत हमने प्री स्टडी करी थी, थोड़ा सा रिपीट करना, पीछे वो गाड़ी के हॉर्न से. ओके, नो प्रॉब्लम्स. जो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने एक सेट पैरामीटर्स पे इस सिस्टम को इवेलुएट किया था थ्रू स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर. इट वॉज कंडक्टेड बाई न्यू कासल यूनिवर्सिटी. द सेम अब इसका पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर 3 months विल बी कंडक्टेड टू असेस इन साइंटिफिक टर्म्स व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ इट. बट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्यूटर्स एंड द ट्रैफिक ब्लॉकेड कॉल्स दैट वी गेट शोज दैट इट इज इट्स सक्सेसफुल. इट्स वेरी सक्सेसफुल. Therefore, we are even planning to expand it to other areas. We are planning to take up certain corridors to begin with. We are exploring taking up like Khelgaon Marg or Aurobindo Marg or Mathura Road, or coming down here Patel Road or DBG Road. We are going to expand in 3 phases, and preferably either of the 2 areas will be covered in the initial phase. इसके सक्सेस के बाद हम लोगों ने इसको फर्दर एक्सपेंशन की प्लान्स भी ऑलरेडी बनानी शुरू कर दी हैं. हम अब इससे एडजॉइनिंग कॉरिडोर्स ले रहे हैं, जैसे आपका अरबिंदो मार्ग है, खेलगांव है, साउथ की तरफ और जाएं तो मथुरा रोड है, और इधर आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ आएं तो पटेल रोड है या देशबंधु गुप्ता रोड है. उसके बाद जमुना पार्क का भी प्लान है एक्सपेंशन का. तो इसको हम कई फेजेस में करेंगे, ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज करेंगे. तो अभी इट विल टेक अबाउट ईयर इसको और फर्दर एक्सपेंड करने के लिए. प्लान्स आर ऑन. ओके, और आपका कोई सजेशन है कॉमिटर्स के लिए कि अगर वो क्या कोई परेशानी आपको आ रही हो, कैसे वो कोऑपरेट करें सो दैट के सिस्टम और भी प्रॉपरली फंक्शन? वेल, ये जो भी सिस्टम्स होते हैं साइंटिफिक, ये हमेशा लेन ड्राइविंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं. क्योंकि हिंदुस्तान में थोड़ा लेन ड्राइविंग की कमी है, हालांकि हम कहते हैं लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग, लेकिन अधिकतर कम्यूटर्स हम लेन फॉलो नहीं करते. तो मेरी गुजारिश एक ये है कि सिस्टम का
भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए, जिन कम्यूटर्स को राइट टर्निंग करना है वो सबसे राइट मोस्ट लेन, लेफ्ट मोस्ट लेन में न खड़े हों, वो अपनी लेन में खड़े हों, तो उससे जो सीधा जाने वाला ट्रैफिक है उसको भी सहूलियत होगी और ये भी जल्दी निकलेंगे। एक तो ये है, दूसरा एक लाइट से दूसरी लाइट में एक नॉर्मल स्पीड पे चलाएं। आई मीन बहुत ज़्यादा तेज चलाने से, क्योंकि ये सिस्टम एक एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड के ऊपर डिज़ाइन होता है, तो आप बहुत तेज चला के पहले भी पहुँच जाएंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे रेड लाइट मिलेगी। तो आप एक नॉर्मल, एक आम स्पीड पे चलाएं, ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, इट इज़ ऑल्सो डेंजरस, और लेन में चलाएं, तो उससे आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट्स मिल सकता है। For long, the lawkeepers in India did not have a techno-savvy image. The force remained unaffected with the growth of information technology. Till recently, the Delhi Police enabled IT for certain features. The Delhi Police Training College web-enabled its training facilities, which they claim to be the first of its kind in the world. The IT initiative of the Delhi Police has been in focus for long. Earlier, it attempted at having a geographic information system for bringing down road accidents. The system helped bring down accident rates by identifying accident-prone areas and analyzing incidents. The Delhi Police also enabled IT for its traffic control system. But even after IT enabling, the relationship between computers and the police remained inconsistent. The latest initiative, however, seems to bring about a change and channels on different other subjects like behavioral science. A special emphasis has been given on cybercrime. The trainees can evaluate themselves with the online tests. Presently, the training facility is available to 60% of the total police personnel in Delhi, and with such an enthusiasm, the day may not be far when forces from other states will also follow suit. Finally, it could be IT that might provide the facelift of the Indian police force.